दोस्तों, इससे पहले मैंने पेटीएम से रिडीम कोड कैसे लेते हैं यानी कैसे पाते हैं वो मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो नहीं दिखाया तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या आपको आई बटन में या लास्ट में आपको एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई देगा, सिंपली आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ फ़ोनपे एप्लीकेशन में हम लोग रिडीम कोड को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉक मांगेगा, तो सिंपली आपको लॉक को यानी जो भी एंटर पासवर्ड है वो एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है सी मोर यानी सी ऑल, तो सिंपली सी ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑल करेंगे तो यहाँ पे जैसे ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए परचेजेज पे यहाँ पे मिल रहा है गूगल प्ले, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो भी जितने भी रुपये आपको यहाँ पे एंटर करना है वो एंटर कर सकते हैं। 10 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक यहाँ पे आप रिडीम कोड बना सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे 30 रुपये बनाना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 30 रुपये लिख दे रहे हैं। और जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे UPI आईडी या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे UPI आईडी सही करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे UPI आईडी पे क्या करते हैं, पे पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटर UPI पिन मांगेगा, तो सिंपली हम यहाँ से पिन को एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम साइन पर क्लिक कर देते हैं यानी ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये प्रोसेसिंग ले रहा है, और प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए मेरा जो है रिचार्ज वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है और मेरा यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। तो मैं यहाँ से ये रेट फोन पे बोल रहा है, तो हम यहाँ से रिमाइंड लेटर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए ये कोड जो है वो यहाँ ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर डन कर देते हैं, डन करने के बाद यहाँ पर देखिए पता नहीं चल पाता है कि मेरा जो रिडीम कोड है वो कहाँ है। तो किस तरह से पता करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पर वापस फ़ोनपे पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉक मांगेगा, तो यहाँ पे लॉक को एंटर कर देना यानी खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री का एक ऑप्शन है। जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ चुका है यहाँ पे रिचार्ज कोड परचेज। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए रिडीम कोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे अपने अकाउंट में, तो हम यहाँ से सिंपली अपना जो ईमेल आईडी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिडीम गिफ्ट कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको रिडीम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको रिडीम कर लेना है। तो मैंने रिडीम पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यू आर अबाउट टू एड 30 रुपीज़, यानी 30 रुपीज़ जो है यहाँ पे ऐड होने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। टोटल मेरा जो अमाउंट है यानी बैलेंस है वो 37 रुपये हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे रिडीम कोड ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस अगर आपको देखना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करें पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाई दे देगा कि आपके अकाउंट में जो है यानी प्ले स्टोर के अकाउंट में कितने रुपए है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है 37 रुपये है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें।